बाकड़ी वन चौकी डकैती के मुख्य आरोपी 30,000 के नामी नंदराम के को नेपानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर राहुल कुमार के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कन्नेश एवं एसडीओपी नेपानगर यशपाल सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में नेपानगर पुलिस ने बाकड़ी वन चौकी में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपियों से एक आरोपी नंदराम पिता गोपाल जाति भील निवासी ग्राम जामपाटी बाकड़ी को गिरफ्तार कर लिया। नंदराम की गिरफ्तारी में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नेपानगर निरीक्षक बी के गोयल SSI जगदीश मंसूरे आर गजेंद्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ब्यूरो चीफ सोहेल खान के और उसी के दरमियान में 28 तारीख को रात में बाकड़ी में हथियार लूट की घटना हुई थी, जिसमें हथियार तो दूसरे दिन बरामद कर लिए गए थे और साथ ही साथ तीन आरोपियों की गिरफ्तारी 30 तारीख को कर ली गई थी जो हथियार लूट में शामिल थे। अब इनका जो मेन सरगना है जिसने ये बेसिकली हथियार लूट की आइडिया जो है और जिसको एग्जीक्यूट किया था, उस पार्टी को लीड किया था, वो नंदराम जिस व्यक्ति को आज हमने गिरफ्तार किया है वो है। और उसको उसके ऊपर हम लोगों ने 30,000 का इनाम भी घोषित किया था। कल शाम को जो है वो नंदराम को बाकड़ी के जो पेरिफेरल जंगल है, जब वहाँ से सूचना प्राप्त हुई तो जा रहा है गड़ी की तरफ, तो वहीं से हमारी पुलिस पार्टी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके अब उसको जो है वो कोर्ट में पेश करेंगे। कुछ फिंगरप्रिंट्स हम लोगों को घटनास्थल से मिले थे और ये चीज़ें भी कंफर्म हुई है, अभी हम लोग उसको वेरीफाई करने के लिए भेज रहे हैं। मगर प्राइमा फेसी ये चीज़ का लगभग क्लियर है कि उसमें जो एक फिंगरप्रिंट है वो इसका ही है, नंदराम का, ऐसी चीज़ आई है। तो उसको अभी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बोला गया है कि इन दोनों का जो है वो मिलान करवा लें और रिपोर्ट जो है वो अलग से भेजें। सर कल रात में कुछ ग्रामीणों के साथ में मारपीट हुई है, घायल भी। नंदराम चौकी पे जो 28 तारीख को लूट की घटना हुई थी उसके अंदर 17 बंदूकें, कुछ कारतूस भी लूटे गए थे, तो वो सारे कारतूस हम लोगों ने एक दिन बाद बरामद कर लिए थे। साथ साथ में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी 30 तारीख को कर ली थी। इसमें जो उसका मास्टरमाइंड है जिसके द्वारा ये पूरे डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था नंदराम, उसकी आज पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है, कल रात को गिरफ्तारी करके और आज हम उसको कोर्ट में पेश करें। सर जो आरोपी है कहाँ पे क्या घटना हुई है, उस पर क्या पुलिस ने कार्रवाई की? कल रात में जो है एक तो हम लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी करी है, उसको आज कोर्ट में पेश करेंगे। दूसरा एक घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर CCF और DFO का जो वन का हमला है उसके ऊपर कुछ अतिक्रमणकारियों ने जो है वो पथराव किया था, तो उसके ऊपर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर अभी पानगिरा बीट में अतिक्रमणकारियों ने